में गाय नहीं मिले इनको रोड पे, और पहली रोटी गाय की, और वो गाय नहीं मिले तो रोटी किसको दे। अब कह भी नहीं सकते कि पड़ोसन के खिला दे है? अब बोले सो तो पूछा उसने करें क्या। मैंने कहा माँ एक काम करो बस, तुम पहली रोटी गाय की बनाती हो ना, उसकी जगह पर मत बनाओ, प्रयास करना जब एक महीने की रोटी एक बनती है एक दिन की, तो कितना आटा लगता है उतना आटा एकाग्रित करना, और कभी किसी भूखे को उसका भोजन बनाकर खिला देना, उतना ही पुण्य तेरे खाते में आ जाएगा, उतना पुण्य आ जाएगा। पर भूखे से मतलब ये मत रखना, कहीं आज के जमाने में किसी भिखारी को रोटी दो तो लेता ही नहीं साहब, उसको तो कुछ भी दो ना तो लेता ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेगा और शाम को जाकर मदिरालय में वैश्यवृत्ति में जुए में उस धन को लगा देगा। इसलिए पहले की कथा में भी कहा, फिर कहते हैं गाय बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय देने से पहले विचार करो कि जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं वो संभाल कर रख रहा है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, नहीं तो मालूम पड़े गाय दूध देना बंद कर दे, वो बेच दे, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली जाए, और जब कसाई उस गाय को काटे तो जिसने दान करा उसको दोष लगेगा। बेटी का विवाह करने से पहले 50 बार विचार करो, जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हो ये अच्छा है नहीं है, खाने पीने में तो नहीं है, परिवार कैसा है, भले ज्यादा करोड़पति का घर नहीं देखना पर लड़का ऐसा देखना जो अपनी बेटी को आनंद में रख सके, मीठी वाणी बोल सके, कहीं का भेरू मत ढूंढ लेना, नहीं तो आफत हो जाए। श्रेष्ठ ढूंढो, कन्यादान करोगे और अगर बेटी को दुख होगा तो बेटी जितना रोगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। कई बेटियां अगर दुखी होती है तो माँ बाप ही तो रोते हैं, कौन रोता है सब, माता पिता को रोना पड़ता है, कहाँ बेटी का भाग्य फोड़ दिया, कहाँ बेटी को दे दिया बताओ, तो माता पिता को रोना पड़ेगा। उसी तरह लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वैश्यवृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, ऐसे को तुम धन मत देना। अगर अगर पैसा दे भी रहे हो किसी के कटोरे में तो ऐसी जगह देना तुम्हें देखकर संतुष्टि हो कि मैंने पैसा दिया था तो उसने रोटी खा ली, मैंने पैसा दिया था तो उसने सत्कर्म में लगा दिया, मैंने पैसा दिया था तो अच्छी जगह पर लगा, कहीं गलत जगह पर ना लग जाए, उसका भान तुम्हें करना है, उसका स्मरण तुम्हें करना है।